सभी शहरवासियों को जिन्होंने हमारी तन मन से वोट से सपोर्ट किए, जिन भाइयों ने वोट दिया उन्होंने भी, जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने भी, किन्हीं ने सभी ने सपोर्ट किया है हमारी, और सभी का दिल से की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी मेरे समर्थक को, किसी भी मेरे साथी को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव आप लोगों ने जीता है, कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, और आपने सभी ने बहुत दिल से हमारी मदद की है, मैं आपका सदा आभारी और ऋणी रहूँगा। और जब भी मेरे लायक कोई काम हो, कोई मदद हो किसी प्रकार की भी, तो मैं हमेशा आपके लिए पहले भी तैयार था और आज भी तैयार है। अब ऐसे भी सेवा करेंगे हम आपकी, कोई चिंता की बात नहीं। और जितने भी पार्षद 27 के 27 वार्डों में जीते हैं उन सभी को मेरी ओर से बधाई, मेरे परिवार की ओर से बधाई। और हांसी नगर परिषद का चेयरमैन है प्रवीण इलावादी जी जो बने हैं भारी समर्थन से, उनको भी बहुत बहुत बधाई है। किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं हमारे साथी को, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, हमेशा आपका बनकर के रहूँगा। शहर में आपने तन मन से हमारी सपोर्ट की है, वोट दिया है, किसी भी हमारे साथी को समर्थक को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका हूँ और अपना रहूँगा। कौन सी पार्टी की राजनीति करेंगे आप? ऐसा हम कांग्रेस पार्टी की राजनीति करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मिलकर के सभी साथी मजबूत करने का काम करेंगे। हार की वजह क्या रही है? मतलब इलेक्शन तो कोई भी ऐसे हम किसी के सिर भांडा नहीं फोड़ते हार का। सभी ने हमारी मदद की, सभी ने हमारी सपोर्ट की, सभी ने हमारे को वोट दिए हैं। ये जनता का फैसला था और जनता ने जो फैसला किया अच्छा ही फैसला किया। मीनू सेठी जी 5500 वोटों से हारी है, उनको क्या कहेंगे आप? ऐसा है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, जनता का फैसला सर्वोपरि फैसला है। हमने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि जनता का जो फैसला है सर्वोपरि फैसला है। आम जनमानस ने हमारी सपोर्ट भी की है, हमारे को वोट भी दिया है, और उनको पता है कि रिंकू सैनी आपका अपना है, कोई बात नहीं, चुनाव आनी जानी चाहिए, चुनाव आते जाते रहेंगे। हम पहले भी सेवा करते थे और इसी प्रकार से आगे भी सेवा करते रहेंगे। इस बार हाउस में नहीं बैठ पाएंगे आप? ऐसा है, वार्ड के लोगों ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, मदद की है, कोई चिंता नहीं इस बात की, सारा वार्ड अपना है। और जितने भी पार्षद बने हैं उनको मैं फिर कहना चाहूंगा कि अच्छे अच्छे काम करें वार्ड के अंदर, सभी को भाईचारा बना करके रखें, कोई बात नहीं, आप सभी को बधाई है, बहुत बहुत बधाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो आपका समर्थन किया था, लेकिन जो यहाँ की जो लोकल कांग्रेस टीम थी वो आपसे नाराज थी, आपकी खिलाफत कर रही थी। ऐसा है, वो उनका काम जाने, लेकिन हम माननीय हमारे जो बड़े भाई है दीपेंद्र हुड्डा जी एमपी साहब, उन्होंने हमारी सपोर्ट भी की है और हम हमेशा उनको मजबूत करने का काम करेंगे। सांसद मोदी जी का आपके पास कोई संदेश आया, कोई टेलीफोन आया, वैसी कोई बात है? एमपी साहब का कल रात को फोन भी आया था मेरे पास और उनसे बात भी हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं, सब साथ हैं। और शहरवासियों को और पूरे हल्का वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है, संदेश है ये कि जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, फिर पुणे मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, वोट दिया, और जो हमारे चाहने वाले हैं और जो हमारे समर्थक हैं उनको किसी प्रकार से कोई मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव हारा नहीं आपने, आपने चुनाव जीता, पहले भी हमने सेवा की थी, पहले बन करके सेवा की थी, आज बिना बने भी हम सेवा करेंगे और आपके बीच रहेंगे। दो चुनाव लड़े आपने, चेयरमैन का भी लड़ा, विनोद सैनी आपके साथ आपके भाई, इन्होंने वार्ड का भी लड़ा, वो भी वार्ड से भी हार गए, इनकी वजह क्या रही है? मतलब इतने क्यों ऐसा हुआ कि क्या इस बात का था अंदेशा कि वार्ड से भी हार सकते? ऐसा वार्ड का अंदेशा नहीं था, और पर वार्ड के लोगों ने भी कोई सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। उब जाते हैं भाई, दो बार बन लिए, चेयरमैन भी बन लिए, और वार्ड में हमने कोई काम की कमी नहीं छोड़ी और पूरे शहर में काम की कमी नहीं छोड़ी। ये जनता का फैसला था और जनता ने जो फैसला किया वो फैसला हमारे को मान्य होना चाहिए और मान्य है। लास्ट टाइम में आपके परिवार में एक बड़ी मौत हुई, उसका भी फर्क पड़ा? हाँ, दो ट्रेजरी हो गई चुनाव के दौरान ही, दो ट्रेजरी हो गई, उसमें भी बड़ा फर्क पड़ा, कहीं हम जा नहीं पाए। और वार्ड की जनता ने भी हमारा पूरा सहयोग किया है और शहर की जनता ने भी हमारा सहयोग किया, और सभी का धन्यवाद। जितने भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, तमाम के तमाम नेतागण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब 5 साल जो अगले रहेंगे चुनाव में, दोबारा से 5 साल लगेगा, हालांकि विधानसभा चुनाव में 2 साल का वक्त है, तो राजनीति में सक्रिय रहेंगे, बिजनेस करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, क्या ऐसा है? हम लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं तो सभी को, जितने भी एमसी हैं जो जीते हैं 27 के 27 वार्डों को, सबको मैं बधाई देता हूं, और जो अब नए चेयरमैन बने हैं प्रवीण इलावादी जी, उनको भी बधाई देता हूं। आपका एक बहुत खैरखवा जो था वार्ड नंबर 27, वो बाल बाल बचा है हारने से। ऐसा है, उन्होंने काम किया है और जनता ने उनका फैसला भी सही लिया है, दोबारा हमारा छोटा भाई पार्षद बन के आया है बीच में, उनकी धर्मपत्नी जो है, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। रिंकू जी, आपके टाइम में जो विकास कार्य हुए, उम्मीद रखते हो कि जो चैनल बना वो उतने काम करवा पाएगा?
ऐसा है उस चेयरमैन को काम करवाने चाहिए, और हमने जो शहर के विकास कराए हैं अभी तो 27 के 27 वार्डों में, आज आपने देखा भी होगा लिस्ट में सारे के सारे पार्षद फिर दोबारा बन करके आए हैं, हमने काम कराए हैं उसी का परिणाम भी है। एक चीज लोगों को समझ नहीं आ रही, आपने जो मंडी सैनियान थी ये बड़ा कीचड़ होता था, गंदगी भी थी, वो साफ की, सड़क बनी, लाइटें लगी, पार्क भी बने, लेकिन जो पार्क बना उसके आसपास के लोगों ने, यहाँ पर घर भी है वहाँ के लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया, ये लोग जानना चाहते हैं ये क्या वजह रही है। ऐसा है, वार्ड के लोगों ने खूब वोट दिया है और अब बदलाव चाहती थी ये जनता वार्ड की, तो उन्होंने बदलाव किया है और उनका फैसला वार्ड के लोगों ने आपको तो वोट दिया, लेकिन पार्षद के चेयरमैन को तो वोट दिया है। ऐसा कोई बात नहीं, उन्होंने अपना पार्षद बनाया है और वो काम कराएंगे, वो पार्षद भी अच्छे काम करेगा, शहर के वार्ड के अपने वार्ड के काम करेगा, पार्क की भी देखभाल करेगा और सड़कें जो हमने काम किए उनकी देखभाल कर लेगा, काम सारे हो चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो सारा का सारा फिर भी सारा एक वार्ड एक परिवार और परिवार की बात है, हम जब भी हमारे को हमारी जरूरत पड़ेगी उनके वार्ड के वासियों को, हम हमेशा इनके साथ मिलेंगे, उनके काम कराएंगे, पहले भी सेवा की आज भी सेवा करेंगे। हार को बड़े हृदय से स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हृदय से स्वीकार कर रहे हैं, और हार भी आदमी को स्वीकार करनी चाहिए, और हार नहीं, हम तो अपनी जीत ही मान रहे हैं कि वार्ड की जनता ने तो बदलाव चाहा और शहर की जनता ने भी जो है बदलाव चाहा, और जो बदलाव किया है शहर की जनता और शहर की जनता का जो फैसला है वो सर्वोपरि फैसला है, वो अच्छा ही फैसला लिया जाए। अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, आने वाले 2.5 साल के बाद तो विधायक के चुनाव भी शुरू होंगे और ये विधानसभा के, तो उसमें रिंकू सैनी अगले पायदान पे मिलेंगे हमें? ऐसा है, वो जनता का फैसला होगा, जनता क्या करेगी, बाकी हम जो सारे के सारे मिल करके कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। टारगेट क्या लेके चले थे, हालांकि आपने 5,000 से ज्यादा वोट ले लिए, टारगेट क्या था आपका? ऐसा टारगेट तो बहुत था, टारगेट तो हमारा अच्छा था, जीत का टारगेट लेकर के चले थे, लेकिन जनता ने जो फैसला किया 5200 वोट जो आए हैं ये भी इनका बहुत आभार और धन्यवाद है, क्योंकि एक तरफी लहर चली हुई थी, समीकरण स्टार्टिंग से ही जो है आउटपुट हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई